सबसे पहले आपसे ग्वार के ऊपर जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने ग्वार में 13,000 की रैली निकलने के बाद वायदा बाजार में 9,600 तक के निचले स्तर आते देखे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि ग्वार एक बार फिर से वायदा बाजार में तेजी दिखलाता नजर आ रहा है, 10,500 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और कल भी आपने बता दिया था कि ग्वार में तेजी बनती नजर आएगी, और आज हम देख रहे हैं ग्वार में तेजी बनती नजर आ रही है, लेकिन अब यहां से आगे क्या, क्या यहां से आगे भी ग्वार में तेजी रहेगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको, कल भी मैंने आपको, आपने बड़ा विशेष ख्याल दिया था, और मैंने यही कहा था कि ग्वार के फंडामेंटल मुझे बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, और इसमें कोई स्पेकुलेटिव गतिविधियों की वजह से कुछ समय के लिए इसके अंदर परेशानियां नजर आ रही हैं। कल भी ग्वार सीध 5826 जो वायदे बाजार के अंदर 5826 के ऊपर बंद हुआ था, और कल मैंने कहा था कि इसके अंदर तेजी के आने वाले एक आध दिन के अंदर तेजी बन सकती है। देखिए, ग्वार सीध ने आज 82 रुपए की तेजी दिखा दी है, और ये 5908 का ऊपर का स्तर लगा दिखाई दे रहा है, और गम के अंदर भी तेजी दिखाई दे रही है, और ये ग्वार गम जो है 10,555 रुपए का तेजी दिखा रहा है, जो 224 रुपए की तेजी, 224 रुपए की तेजी के साथ में। मुझे लगता है कि आज ग्वार सीड में तेजी नजर आएगी, और जहां तक थोड़ा सा अभी फंडामेंटल की तरफ और हम दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि जो भी दर्शक बंधुओं ने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो इनके अंदर भी एक बार रिमाइंड हो जाएगा। पिछले साल का भी हम देखें तो सन 2020 में ग्वार गम का निर्यात लगभग 1,061 करोड़ रुपए का हुआ था, और आमदनी जो थी वो लगभग 14.20 करोड़ डॉलर की थी, और सन 2021 में अब तक 1631 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, और 22 करोड़ तक की इसकी आमदनी पहुंच गई है। अतः लगभग 55% की अधिक ग्वार गम की निर्यात अभी तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। और ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर जो महत्वपूर्ण है, लगातार चाइना से, यूएस से, मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व के देशों से अच्छे ऑर्डर निर्यातकों के पास बताए जा रहे हैं, और माल जो ग्वार सीड का है वो पूरा माल अभी बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। अच्छी क्वालिटी का ग्वार बाजार में उपलब्ध नहीं है, ब्लैक यानी काला ग्वार तो फिर भी उपलब्ध है, लेकिन जो ब्राउन का और ये व्हाइट कलर का जो अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का ग्वार पूर्ण उपलब्ध नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण ग्राउंड रियलिटीज है, सच्चाई है, और ग्वार के जो उत्पादक हैं या किसान हैं, ग्रोवर्स हैं, इसके अतिरिक्त कारोबारी हैं, ये इस सत्य को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन NCDX के ऊपर जिन्होंने मंदी कर अब माल बेचा है, अब देखने में ये आएगा कि वो डिलीवरी कैसे देंगे। डिलीवरी देनी पड़ेगी, यदि डिलीवरी नहीं दी तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, ये मेरा अनुमान है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी विशेषज्ञ को आप सुनते हैं उसका वो सिर्फ एक अनुमान जाहिर कर सकता है, भविष्य के अंदर क्या बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा वो तो एक भविष्य बताएगा, लेकिन मेरा अनुमान यही है ग्वार सीड के अंदर आज तेजी बन सकती है। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।